साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगने जा रहा है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसको लेकर लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। वहीं कुछ लोग ग्रहण को लेकर डरे हुए भी हैं। भारत में चंद्र ग्रहण दिखने के कारण सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले लग जाता है और ग्रहण खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से इस चंद्र ग्रहण को बेहद खास माना जा रहा है। साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगेगा। इस ग्रहण का सभी राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। वहीं ग्रहण के अगले 30 दिन कई राशियों के लिए बेहद अशुभ रहने वाले हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन लग रहा है, तो इस मौके पर ग्रहों की विशेष स्थिति बन रही है। इसलिए इस दिन 5 राशियों पर सबसे ज्यादा असर होगा और यही कारण है कि इन राशियों के जातकों को बहुत संभल कर रहने की सलाह दी जा रही है। चंद्र ग्रहण के दिन वृष, मिथुन, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत संभल कर रहना होगा। इन जातकों को सेहत, आर्थिक, करियर और कारोबार के मोर्चे पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दिन तुला राशि में कई ग्रहों की युति भी होने वाली है। ऐसे में ये ग्रहण कुछ राशियों के लिए लाभकारी भी साबित हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शुभ फलदायी साबित हो सकता है। वहीं कुंभ राशि वालों के लिए करियर और व्यापार के लिहाज से अच्छा साबित हो सकता है।